सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा भले ही समाप्त हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी और सीएम अशोक गहलोत के लिए एक नया रण शुरू हो गया है। जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने आज ऐलान कर दिया है कि अगर 15 दिनों के भीतर उनकी 3 मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अब की बार वे गांधीवादी तरीका नहीं अपनाएंगे। पायलट ने साफ कह दिया है कि अब वे अनशन, जनसभा या पैदल यात्रा नहीं करेंगे, बल्कि पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। उन्होंने गहलोत सरकार को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा है कि अब याचना नहीं रण होगा, जो बेहद भीषण होगा। सचिन पायलट को गहलोत सरकार में मौजूद कई विधायक और मंत्री का भी साथ मिला। ये सब भी पायलट के साथ कंधा मिलाते हुए नजर आए। गहलोत सरकार की धज्जा उड़ाते दिखे कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी ने तो गहलोत को गुंडों की गैंग का बादशाह तक कह दिया। उन्होंने एक कहानी के जरिए लोगों से कहा कि गुंडों की गैंग का बादशाह देश का बादशाह बन गया। उसने देश का बादशाह बनते ही सबसे पहले सारे गुंडों को जेल डलवा दिया। ऐसे ही आप भी राजस्थान के बादशाह हैं, अपने भ्रष्ट साथियों को जेल भिजवाएं। वहीं नागौर की लांडनू सीट से विधायक मुकेश भाकर ने भी अशोक गहलोत को आड़े हाथों लेते हुए पायलट का जमकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि गहलोत चाहते हैं कि पायलट पार्टी छोड़कर चले जाए, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे, यही रहकर इनकी छाती पर मूंग दलेंगे। राजस्थान में नौजवान पायलट को सीएम देखना चाहते हैं। अब पायलट के बिना राजस्थान में कांग्रेस का वजूद नहीं। रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।